आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में काफी कम समय, काफी कम दिन बचे, जल्दी अब यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन की हमें शुरुआत देखने को मिलेगी। आईपीएल से पहले यहाँ पर काफी सारी टीमों के लिए बुरी खबर निकल कर रही थी। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत समेत काफी सारे खिलाड़ी आईपीएल से बाहर हो गए थे। अब उन खिलाड़ियों की यहाँ पर ऑफिशियल रिप्लेसमेंट इनकी टीमों द्वारा यहाँ पर अनाउंस कर दी जा चुकी है। ना सिर्फ रिप्लेसमेंट बल्कि इनकी रिप्लेसमेंट के खिलाड़ी अब भारत भी पहुंच चुके हैं। जो यहाँ पर इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर अनाउंस हुए वो भारत पहुंचकर इन टीमों के कैंप में आ चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी क्या यहाँ पर रिप्लेसमेंट के और कौन कौन से खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं। आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्ड में यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि अब तक आईपीएल से बाहर हुए खिलाड़ियों की यहाँ पर क्या रिप्लेसमेंट अनाउंस हुई और कौन कौन से रिप्लेसमेंट यहाँ पर अब भारत आ चुके। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने यहाँ पर इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज लवनीत सिसोदिया को यहाँ पर अपनी टीम में कन्फर्म्ड किया है। कुल मिलाकर ऋषभ पंत को इस आईपीएल एडिशन में यहाँ पर लवनीत सिसोदिया अब रिप्लेस कर रहे हैं और लवनीत सिसोदिया करंटली दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में पहुंच चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही है, जो तैयारियां कर रही है, वहां पर लवनीत सिसोदिया लगातार विकेट कीपिंग करते हुए दिखे। करंटली सरफराज खान इंजर्ड है तो यहाँ पर लवनीत सिसोदिया यहाँ पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, विकेट कीपिंग करते हुए दिखे। तो वैसे आप अपनी स्क्रीन पर कुछ फोटोज भी देख पा रहे होंगे, तो ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट यहाँ पर लवनीत सिसोदिया फाइनलाइज हो चुके और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में ये पहुंच चुके हैं, विकेट कीपिंग भी ये कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, इसके बाद नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का, तो प्रसिद्ध कृष्णा जो कि राजस्थान रॉयल्स का भाग थे लेकिन इस आईपीएल एडिशन में आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान की टीम ने अंकित राजपूत को फाइनलाइज किया। अंकित राजपूत यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को इस आईपीएल एडिशन में रिप्लेस कर रहे हैं और अंकित राजपूत अब 5 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के कैंप में पहुंच जाएंगे। 5 मार्च को ये टीम अपना कैंप यहाँ पर गुवाहाटी में शुरू कर रही है। कुछ खबरों के अकॉर्डिंग कुछ दिन गुवाहाटी में इस टीम का कैंप रहेगा, उसके बाद राजस्थान में यानी जयपुर में इस टीम का कैंप लग जाएगा। तो गुवाहाटी में जो इस टीम का कैंप शुरू होगा वहां पर अंकित राजपूत 5 तारीख को इस टीम के कैंप में पहुंचेंगे। हालांकि अंकित राजपूत पहले इस टीम के नेट या फिर रिजर्व प्लेयर थे लेकिन अब यहाँ पर इनको प्रसिद्ध कृष्णा की जगह इस टीम ने अपनी टीम में फाइनलाइज किया। तो कुल मिलाकर अंकित राजपूत अब यहाँ पर 5 मार्च को यहाँ पर इस टीम के कैंप में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट की, तो बुमराह की जगह यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने वरुण अरुण को फाइनलाइज किया। हालांकि संदीप शर्मा को मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड में रखा लेकिन उनको नेट बॉलर के तौर पर इसके साथ ही रिजर्व के तौर पर अपने स्क्वाड में मुंबई ने रखा है। कुल मिलाकर वरुण अरुण को रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई ने फाइनलाइज किया और वरुण अरुण 10 मार्च तक यहाँ पर मुंबई के कैंप में पहुंच जाएंगे। मुंबई भी 5 या फिर 6 मार्च को अपना कैंप अभी यहाँ पर शुरू करेगी, ऑफिशियली अपना कैंप शुरू करेगी। उस कैंप में 10 मार्च को वरुण अरुण पहुंच जाएंगे, इसके साथ ही संदीप शर्मा भी 10 मार्च को वहां पर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से अब तक इन खिलाड़ियों की ये रिप्लेसमेंट फाइनलाइज हुई है कि ये खिलाड़ी यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इन टीमों के कैंप में अब पहुंच रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आपको इनमें से कौन सी टीम का फैसला बढ़िया लगा, कौन सी टीम का फैसला बेकार लगा और आईपीएल एडिशन में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। आप अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।